हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। सो गाइज, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ फ्लिपकार्ट का एक स्टेटनर ब्रश, और ये आपको 300 के लगभग में मिल जाएगा। इसका जो प्राइस है वो आपको मैं यहाँ स्क्रीन पे दे दूंगी, तो आप देख लेना कि ये कि आपको कितने का मिलेगा। एक्चुअली इसका प्राइस मुझे उतने अच्छे से याद नहीं है, पर मैं देख कर आपको बताऊँगी कि 300 समथिंग कुछ मिला था। सो इसे मैं आपको दिखाती हूँ कि ये वाकई में हमारे हेयर को स्ट्रेट कर सकता है कि नहीं। तो इस टाइप का आपको मिलेगा ब्रश इस तरीके के मिलेंगे आपको, बिल्कुल लगेंगे जैसे कि हेयर ब्रश हैं जो हम कॉम करते हैं उस टाइप के। और यहाँ पे आपको फंक्शन दिया हुआ है, ये है पावर ऑन ऑफ करने वाला, और यहाँ आपको माइनस प्लस दिया हुआ है। सो इस तरीके का आपको इसमें प्लग है, और प्लगिंग करके आप कर सकते हो। कैसे ऑन हो जाएगा अब देखो। ऑन करने के बाद आपको इसे 2 से 3 मिनट तक छोड़ना पड़ेगा, उसके बाद ये थोड़ी देर के बाद गर्म होता है, उसके बाद आप अपने हेयर पर इसे चलाएंगे। तो आप देखो, मैंने एक बार किया पर कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा, तो मैं 2 से 3 बार इसे ट्राई करके देखती हूँ कि ये स्ट्रेट कर पाता है कि नहीं हमारे हेयर को। पर मैंने 2 से 3 बार बहुत बारी इसे ट्राई की पर नहीं हो पा रहा था गाइस, क्योंकि मैं सूखे हेयर पर कर रही थी। यहाँ दबाने का जो बटन है, तो जब आप इसे पकड़ोगे ना, तो ये बार बार खुद ब खुद बंद हो जाता है। तो इसको आपको पहले केयरफुली पकड़ना पड़ेगा इस तरीके से, ताकि आपका बटन के ऊपर उंगली ना पड़े और ये बंद ना हो जाए बार बार, वरना फिर गर्म होने में टाइम लगता है गाइस। तो एक बार मैंने और फिर से ट्राई करा और देखा कि मेरे जो हेयर हैं वो वैसे के वैसे ही थे, स्ट्रेट नहीं हो रहे थे, बस हल्का हल्का स्ट्रेट हुए हैं, सिल्की हो रहे थे, पर बहुत अच्छा जो होता है ना एकदम स्ट्रेट, वो नहीं हो पाया। सो मैंने एक तरफ के जो दूसरे तरफ के जो हेयर थे उसे मैंने अच्छे से गीला करा, उसके बाद ट्राई किया। तो थोड़ा मतलब टाइम लगता है जब आप इसे स्ट्रेट करोगे, और सोचो कि बस कॉम करती जाऊँ और हेयर स्ट्रेट होते जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। आपको बहुत ही धीरे धीरे आपको मतलब हल्का टाइम लेके करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हो स्ट्रेट हो रहे हैं। सो इसी तरीके से मैंने अपने सारे हेयर को, एक तरफ के सारे हेयर को इस तरीके से स्ट्रेट करा, और देख सकते हैं कि स्ट्रेट हो रहे हैं गाइस। सो 350 का अगर आप स्ट्रेटनर लोगे तो आपको थोड़ा तो केयरफुली उसे यूज़ करना पड़ेगा, और अगर आप इसे लेना चाहती हैं तो आप इसे ले सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा वक्त लगता है जब आप अपने हेयर को स्ट्रेट करेंगे, तो थोड़ा सा टाइम लेके करेंगे तो ये हो जाता है। और फिर से मैंने सेकेंड दूसरे तरफ के हेयर को भी इसी तरीके से गीला करके स्ट्रेट कर लिया, और आप देख सकते हैं कि ये स्ट्रेट हो रहे हैं, क्योंकि मैंने कोई भी कटवट नहीं किया है। आप देख सकते हो स्ट्रेट हो रहे हैं हमारे हेयर जब हम 2 से 3 बार करते हैं टाइम लेके, तो आप खुद देख सकते हैं। सो अगर आप इसे लेना चाहते हो ना गाइस, तो आप इसे ले सकते हो। पर इस ब्रश की एक और कमी है कि जब आप इसे हेयर को स्ट्रेट करोगे ना, तो आपके बहुत ज़्यादा हेयर जो है वो टूटते हैं, क्योंकि ब्रश इस टाइप के हैं कि इसमें हेयर फंस जाते हैं और बहुत ज़्यादा आपका हेयर फॉल होगा। पर उतना भी ज़्यादा नहीं होगा, मतलब थोड़ा मोड़ा होगा, मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया सॉरी, पर थोड़ा मोड़ा हेयर फॉल होता है। आपको दिखा रही हूँ कि कितना होगा। सो क्योंकि ब्रश है, तो ब्रश से तो हेयर फॉल होंगे गाइज, और हम दबा के कर रहे हैं, तो थोड़ा सा हेयर फॉल आपको इससे होगा। सूखे हेयर में आप इसे ट्राई ना करें। और जब मैंने बालों को गीला किया तो बहुत ही अच्छे से स्ट्रेट हो गए हैं, आप खुद देख सकते हो। और 300 रुपये में क्या ही मिलेंगे गाइस, पर फिर भी हमारे जो हेयर है वो स्ट्रेट हो रहे हैं। आपको अगर ये चाहिए तो इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, अगर आप परचेज करना चाहते हो तो ले लेना। फ्लिपकार्ट में अभी भी अवेलेबल है, 300 के अराउंड आपको मिल जाएगा, 300 से थोड़ा सा शायद कुछ ज़्यादा है, 350 के अंदर ही आपको मिलेगा ये। और वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इसी तरीके की ऑनेस्ट रिव्यू मिल पाए। सो मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, बाय बाय।